गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है आज है 15th ऑफ सितंबर 2023 फ्राइडे का दिन है एंड ऑफ द वीक आज के दिन तो आइए देखते हैं कि कल क्या-क्या करेंसीज -क्या? में डिफरेंट एक्टिविटीज हुआ है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 105.25 पहले हम डिस्कस करते कल का ईसीबी रेट डिसीजंस ईसीबी का जो रेट डिसीजंस था रीटेक किया है एंड नो मोर हैक्स का एक इंडिकेशन दिया है उसके बाद ही यूरो पे अच्छा खासा सेलिंग देखा गया यूरो का वीकनेस के कारण डॉलर में स्ट्रेंथ देखा गया डॉलर का जो स्ट्रेंथ है अभी आपका 105.25 है इसका स्ट्रेटेजी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 105.50 से 105.70 यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस का हायर एक्सपेक्टेशंस है दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटीज आर देयर तो जिसके कारण यहाँ पे हम कुछ इस लेवल पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का हमें ऑब्जर्व करना है डॉलर रुपी अभी है आपका 83.06 लेवल्स पे यहाँ पे अगर एक छोटा ट्रायंगल हम देखेंगे जो पहले एक बड़ा ट्रायंगल था हमारा

कंसोलिडेट हो रहा है जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उसके बाद उतना ही अच्छा एक ट्रेंडेड डायरेक्शन लेकिन ट्रेंडेड डायरेक्शंस में हालांकि प्राइस एक्शन ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है लेकिन इनविजिबल हैंड्स आर देयर एट 8320 8340 सो so वही हमें थोड़ा सा केयरफुली मॉनिटर करना है डॉलर रुपए को जीबीपी डॉलर काफी वीक हो चुका है कल के दिन जो हमारा स्ट्रेटजिक या सपोर्ट लेवल था दैट मीन्स एट वन पॉइंट टू फोर फाइव जीरो उसको ब्रेक डाउन करके कल क्लोज दिया है इसको और फर्दर नीचे जाने के लिए कल के लो के नीचे तैयारी करना है दैट बिंग द केस यहाँ पे काफी एक रन डाउन हुआ है फ्रॉम योर वन पॉइंट थ्री वन फाइव जीरो लेवल से वन पॉइंट टू फोर थ्री लेवल्स पे इतना रन डाउन के बाद इन

ऊपर जाएगा ये कंडीशंस होगा तो मीन्स हम लॉन्ग के लिए बिल्डअप कर सकते हैं लेकिन आर नॉट कमिंग सो दैट जब तक उस टाइप का बाइंग ढूंढ सकते हैं सिमिलरली रन डाउन आया है आपका हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट एट जीरो से हंड्रेड एंड टू पॉइंट सिक्स जीरो तक

Depreciate कर चुका है अभी है आपका आपका पर भी महीने के 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 एक selling के बाद हम means buying opportunities के लिए ढूंढ रहे थे लेकिन जो ECB का इकोनॉमी है दैट इज नॉट सपोर्टिंग द मार्केट फंडामेंटली जो है फंडामेंटली यूएस मीन्स यूरोन का जो इकोनॉमी है इट्स नॉट Doing गुड सो so, इसी का प्राइस सेक्शन के ऊपर आपका एक नेगेटिव सेल ऑफ हम यहाँ पे देख रहे हैं सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कल के हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल आइदर टुडे और ऑन मंडे आ जाता है

सेलेक्टिक्स हम करेंगे या साइडवेज बैठे रहेंगे डॉलर इन में जो हमारा कैलकुलेशंस था वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो रहा है मटेरियलाइज नहीं हो रहा है का मतलब ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है अभी हमारा जो 12 सितंबर का जो लो है दैट मींस 146.43 यानी 146.40 के नीचे अगर स्ट्रांग क्लोज देता है And follow through उसके नेक्स्ट वाले दिन में मिलते हैं इन सच के हम एक अच्छा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी देखिए डेली आर जो है हुआरिंग अराउंड 60 यानी यहाँ पे एक मीन्स सेलिंग के लिए तैयारी हो रहा है लेकिन प्राइस सेलिंग के लिए नामोनेश नहीं है सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है बीओजे का एक्शन के ऊपर प्राइस इंतजार कर रहा है अगर कुछ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मीन सेलिंग नहीं आते हैं ये सेलिंग छोटा मोटा सेलिंग नहीं है वी आर थिंकिंग प्लानिंग अबाउट ए शार्प सेलिंग क्योंकि बीओजे जब डंडा मारते हैं ना बहुत बहुत गंदा मींस बहुत ही हेवी डंडा um, मारते हैं इन सच ए केस ये जो 141 बोलिए या 138 बोलिए कभी भी आ सकता है सो दैट बीइंग द केस यहां पे प्राइस एक्शंस को हमें थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना है फॉर लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन सॉरी शॉर्ट बिल्डअप पोजीशन यूरो आईएनआर पे भी यहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है लॉन्ग बनाने के लिए लेकिन हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशंस अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है जब तक नहीं हो रहा है हम तब तक इंतजार करेंगे प्राइस एक्शनस के लिए डॉलर के लिए ये जो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड था ये रिजल्ट देना चालू कर दिया है काफी शार्प नीचे की तरफ आना चालू कर दिया जो so, हमारा फर्स्ट टारगेट था 1.3480 ये टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है एंड सब्सिक्वेंटली आने वाले दिनों में इट मे मूव टूवर्ड्स 1.34 ओनली थिंग इज दैट लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनाना चाहिए इन प्राइस रनिंग शॉर्ट दे कैन कंटिन्यू रनिंग 80 डॉलर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आज के दिन में दिख रहे हैं ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर होना है आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है लेकिन उसके लिए तैयारी करने के लिए पहला तो इसके हाई

जो आया है बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस था सो so, इसके लिए सीएनएच में अप्रिसिएशन हो रहा है बट ओवरऑल द इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग गुड सो हमें इसके ऊपर भी करी नजर रखना है ब्रांड क्रूड करेंटली आपका है नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन जीरो जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है हंड्रेड एंड फाइव ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम नॉट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ये जो टारगेट है हमारा ये टारगेट हंड्रेड से हंड्रेड तक तो उसी की तरफ ब्रेंड क्रूड जा रहा है दैट बीइंग द केस क्रूड ऑयल पे कोई अगर ट्रेड करता है अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम में जब भी डीप्स आएंगे लॉन्ग के लिए खेल सकते हैं विथ योर स्टॉप लॉसेस यू स्टेन ट्रेजरी कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था टू फोर पॉइंट टू नाइन एट जीरो अभी फोर पॉइंट टू सेवन सेवन सो यहाँ पे प्राइस ये जो आर एस को रेजिस्टेंस देने का तैयारी कर रहा है सो so, ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं मार्केट इज इन वेट एंड वॉच मोड प्रोबेबली फॉर द सेलिंग साइड एज फार एज द ट्रेजरी कंसर्न लेकिन सेलिंग के लिए जो ट्रिगर है वो नहीं आ रहा है यूएस टू ट्रेजरी सिमिलरली ये कॉन्सोलीट कर रहा है जब तक आर एस एस सिक्सटी के रेजिस्टेंस ले रहा है एंड उसके ऊपर फोर के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक शांति है